आजाद कश्मीर के बेशतर अजला, लाहौर और कसूर समेत पंजाब के वस्ती इलाकों में कहीं कहीं बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद मुख्तलिफ मकामात से पानी का निकास कर दिया गया। करतारपुर राहदारी पर दरियाए रावी का पानी। सड़क पर आने के बाद भारत ने राहदारी बंद कर दी। दरबार बाबा गुरु नानक के हेड सेवक की भारत से राहदारी खोलने की अपील। गोबंद सिंह का कहना है कि दरबार कॉम्प्लेक्स और जीरो पॉइंट पर कहीं सैलाब नहीं। भारत यात्रियों को पाकिस्तान भेजे, यहां इंतजामात मुकम्मल है। लाहौर में डीआईजी शारिक जमाल की अचानक पुरअसरार मौत। अपने घर में मुर्दा पाए गए, लाश अस्पताल मुंतकिल। मौत के वक्त वो घर में अकेले थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत आज फिर होगी। जज हुमायूं दिलावर ने रोजाना समाअत का हुक्म दिया था। गुज़श्ता रोज समाअत में दलायल मुकम्मल करने पर जज हुमायूं दिलावर और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस में तकरार हुई। और मोटरवे M2 पर सुखे की के करीब कार और ट्रक की टक्कर, तीन अफराद जाम भाग। मोटरवे पुलिस का कहना है हादसा कार ड्राइवर के दौरान ड्राइवर के सो जाने की वजह से हुआ। और पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट कोलंबो में पीर से शुरू होगा। पाकिस्तान टीम आज से ट्रेनिंग शुरू करेगी।